Good morning. चाय बोल दो एक। अच्छा एक नहीं सॉरी तीन, भाभी उनको भी पूछो ना। सोएंगे वो लोग ना थोड़ी देर बाद, अंदर दीवार से तो ना सुना दे सुते वाला। ठीक है मैं बाहर घूम के आती हूँ थोड़ी देर। ठीक है गुड मॉर्निंग। और सुबह हो चुकी है, हम अभी मैं बाहर आ गए, सब लोग सो रहे हैं। मैंने फ़ोन किया बीच में बट वो लोग नहीं आ रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं और मैं निकली हूँ बाहर। मैं जा रही हूँ पूल में कि मुझे देखना है पूल। और मुझे होटल वैसे बहुत ज़्यादा पसंद आया, देन मैं जा रही हूँ अभी पूल में देखने। तो मैं अभी मुझे पहले पूल मिल नहीं रहा था कि कहाँ पे, पर एक दो से पूछा मैंने तो इस साइड को पूल बता रहे हैं, तो मैं उस साइड को जा रही हूँ। और ये रहा पूल, तो सब लोग अंदर हैं। और मैं सोच रही विवान को लेकर आती, पर विवान सो रहा था और लेकर आते वो बहुत परेशान करता है यहाँ पे, तो इसलिए नहीं लेके आई मैं उसको। सब लोग पूल पे इतने मजे कर रहे हैं और सब लोग रूम पे हैं इस टाइम पर, क्या है। क्यों नहीं आ रहे वो लोग यार, मेरा सुबह सुबह पानी में बिल्कुल जाने का मन नहीं है। और मैं जस्ट यहीं बैठ के पास में, इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ बैठ के आराम से पैर डाल के ठंडा ठंडा सा, अंदर जाके सारा गीला गुला में कोई मतलब सब लोग होते तो थोड़ा अच्छा लगता है, बट जस्ट यहीं बैठ के भी मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत देर बैठ के ना कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था मुझे वहाँ पर, क्योंकि सब लोग ऊपर है ना, सब लोगों के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वैसे जस्ट थोड़ी देर पैर बैठ के पैर थोड़ा गीले करके अच्छा लगता है। गिंदी देखो कितनी प्यारी सी गिंदी है, पता नहीं चलती मैं ऊपर देखती हूँ वो लोग क्या कर रही है, चेंज करना है नहाना है यार, अभी नहाई भी नहीं हुआ। दो दिन ऐसे निकल गए पता ही नहीं चला यार, मेरे बाल भी थोड़े से ना रंगी नहीं गए, उठ के सीधे आ गई हूँ मैं। तो मज़ा आता है जैसे कभी आउटिंग में जैसे बाहर आए हैं, बहुत मज़ा आता है, अच्छी सी फीलिंग आती है बाहर देख के। अभी यहाँ से जा रही थी ना, देखो कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही प्यारे हैं। बहुत प्यारी गिन रही है यहाँ पे कितने प्यारे फूल लगे हुए, देखो कितने नज़दीक से मैंने पहली बार देखे हैं फूल पानी वाले। और मैंने अपने फोन का टेम्पर्ड ग्लास भी डालना है। उसमें और है चाहिए क्या दीवान के लिए रखते ना। मैं पूल पे गई ना, वहाँ सब लोग थे, फिर मतलब ये मैंने मलोबिया को फ़ोन किया पहले, मैंने किसी और का ही रूम, मुझे पता नहीं चला ना, मैंने किसी और का रूम लॉक कर दिया। तो फिर वहाँ पे एक जो जा रही थी ना, मैंने बोला कि ये चेकआउट कर गए, मैंने कहा ये चेकआउट कर गए, फिर मैंने शायद दूसरे वालों को। फिर मैंने भैया को फ़ोन किया, मैंने भैया आप बोल रहे थे कि जाना है 8 बजे, तो आप चलेंगे। तो भाभी मैं आधा घंटा और सोऊंगा, और फिर वो सो गए, फिर मैं चली गई, मेरे चले मैं ही जाके आती, तब जाके आऊँ फिर मैं जाके आई। अच्छा लगा मेरे को वहाँ पे, सब लोग ऐसे तैर रहे थे ठीक ठीक, मतलब कपड़े गीले करने से अच्छा कि मैं चल पड़ती हूँ ऊपर, 5-10 मिनट बैठी, देन आ गई मैं। उसको उठाना, डाइपर लगाना पड़ेगा, ऐसे ले जाना पड़ेगा स्कूल ब्रेकफास्ट कराने। सोते सोते उठ जाएगा, ये चलते चलते वो पूल को देख के खुश हो जाएगा। बोलते हैं शूज़ लेने हैं इसके लिए यार, शूज़ नहीं है एक्चुअली, हम लोग सारे शूज़ ना घर वाले बाहर वाले सारे एक साथ ही लगा देते हैं, सारे ऐसे ही रह जाते हैं।
फ्रूटी पड़ी है इसकी। चाय हो गई मेरी खत्म और अब मैं आई हूँ यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली ड्रायर भी है तो मैंने सोचा बेटर है कि मैं इसको बालों को धूप में सुखाऊँ, तो यहीं पे ही अपने बालों को फटाफट सुखा लेती हूँ क्योंकि सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा मैं कभी ड्रायर से अपने बालों को सुखाती नहीं हूँ, मेरे किसी ब्लॉग में मैंने कभी कभी ट्राई आई थिंक कभी किया नहीं है, मेरे पास है बट मैं धूप में ही ज़्यादा सुखाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है इससे सुखाने से ना एकदम से बाल जब सूखते हैं तो वो ना ड्राई से हो जाते हैं और झड़ बहुत जल्दी जाते हैं, तो मैं इसको कम यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छे से करो ना, साफ़ कर दो। मैंने वैसे ड्राई रखी है बट ज़्यादा नहीं किया। करो साफ हो गया पीछे से। उठ गया, हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट। अच्छा ये वाला रूम था, मैंने आगे वाला नॉक कर दिया था, रूम पीछे हो गया इसका। मैं खिलाती हूँ इसको आप लेके, ये बेबी चेयर का होगी पीछे यार। थैंक यू सर, थैंक यू, बस गुड बाय। तो अभी हम लोग कर रहे हैं पैकिंग और पता नहीं ये लोग कहाँ ले जाने वाले हैं। पहले तो हम लोगों ने हम्पी का प्लान बनाया था बट हम्पी अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। अर्ली मॉर्निंग जाते तो ठीक था बट अभी जाना थोड़ा मुश्किल है, और तो मैं कर लेती हूँ फटाफट पैकिंग। सोच रही हूँ कपड़े चेंज कर देती बट यार ठीक है, कपड़े जैसे भी सुबह चेंज कर दिए तो पैकिंग करके फिर हम लोग निकलते हैं। हाँ की कार लेके आते, चलो 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 चलो। तो अभी यार फैन ऑफ कहाँ से होगा, वो लाइट राइट दिया। तो हम लोग जा रहे हैं अब, सब लोग ना नीचे पहुँच गए और मैं ही सबसे ज़्यादा लेट हूँ शायद। मोस्टली कार के बारे में कोई नॉलेज नहीं है बट मुझे इस कार को देख के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारी, एक्चुअली में प्यारी लग रही है। बस चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे, मामू कर रहे ड्राइव। ओ सॉरी 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 सॉरी, लग गई मेरे बच्चों को, लग गई। चिज्जी तो नहीं खानी, चिज्जी खानी, चिज्जी चिज्जी खानी, नो नो खानी चिज्जी। अच्छा लग रहा है यार, बड़ी सुंदर नदी है। क्या नाम बताया था इसका आपने? है। गर्मी है भयानक। हम लोग आए हैं यहाँ पे विजया विठला टेम्पल हम्पी, और ऐसे गाड़ी भी जा रही है, वेट करें पता नहीं गाड़ी में जाएंगे कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे, लोग कुछ बता भी नहीं रहे। कैसे जाएंगे हम लोग, कैसे जाएंगे भयानक गर्मी है यार। ये भी एक टेम्पल है, मतलब यहाँ के भी फोटो लेगा, यहाँ के भी फोटो लेंगे भैया। यहाँ से अभी वो चला गया आगे दीवान, थोड़ा आगे जाना है, वो आगे टेम्पल है। एंड देखा ना पत्थर के ऊपर पत्थर फेंके हुए हैं। विवान पकड़ो पकड़ो, स्पैरो 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 स्पैरो, कैसे आ रही है, बड़ी दूर है अभी, मैं पकड़ लूँगी इतने में इसको। वहाँ गए थे लास्ट टाइम हम लोग हनुमान जी का टेम्पल। चलो विवान चलो चलो चलो, नहीं नहीं चलेगी, चलो चाचू चलेंगे, मामू चलेंगे, सब लोग चलेंगे, चलो चलो, नहीं 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 चलो चलो नहीं चलो ना नहीं।
वहाँ मिलेगा आगे टिकट ना? तो टिकट काउंटर वो है, वो तो शायद उसके लिए खड़े हैं गाड़ी के लिए। ये जो देख रहे हैं आप जो 50 रुपए के नोट के ऊपर है, सेम इसी वाले टेम्पल में हम लोग आए हैं यहाँ पर। चलो ये कहाँ बना हुआ है इससे जो नोट पे है ये बताओ, ये थोड़ी है सेम ये वाला। अच्छा वो है, ये है जो 50 रुपए के नोट पे बना हुआ है वो सामने वाला ना। हाँ सेम है, यस ओके। सेम ये देखो, ये है पठानपी का बहुत प्यारा सा टेम्पल। देन देखो लोकेशन सुंदर लग रहा है, अंदर आके तो जबरदस्त। लास्ट टाइम हम लोग गए थे देन वो देखो वो ये दिख रहा है, लास्ट टाइम जहाँ हम लोग गए थे हनुमान जी का जहाँ जन्म हुआ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी एलिफेंट एलिफेंट क्या ये एलिफेंट 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 नहीं करते हैं वो बात। चलो 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 एलिफेंट एलिफेंट एलिफेंट। देखो यहाँ पे कितनी सुंदर इतना पुराना डिजाइन किया गया है। हॉर्स देखो, हॉर्स है ये हॉर्स है, छोटे छोटे हॉर्स बनाए हैं एक्चुअली में जिसने बनाया उसने बहुत प्यार से बनाया ये चीज बहुत समझ। ये दूसरी साइड इधर 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 जा रहे हैं बीबी, हम उधर कहाँ जा रहे बीबी देखो। तभी हम लोग जा रहे हैं वापस। आज थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ है क्योंकि बादल आ गया है। ये देखो विवान का है, सब भैया ने लिया हुआ है। चलते हैं यार बहुत गर्मी है, हम यहाँ से सीधा घर निकल जाएंगे वो खाना खाने निकलेंगे। हम करेंगे लंच, लंच के बाद हम लोग चले जाएंगे। चलो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके एक्चुअली। रानी नाती राजा का होगा, नहाने का कक्ष होगा ये राजा का। भयंकर गर्मी है देखो ना यार, कहीं पे पानी वहाँ पे इतना ज़्यादा घूमने के बाद और बहुत सारे मज़े करने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं लंच करने। सब लोग साथ में लंच करेंगे और लंच करने के बाद हम लोग जाएंगे अपने अपने घर। तो कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट या कुछ हम सोच रहे हैं, और एक जगह है जहाँ पे हम लोग पहले भी गए थे वहाँ मिला तो ठीक, नहीं तो उसके साथ में कुछ मिलेगा तो हम वहीं पे ही लंच कर लेंगे। तो ये ना इस तरफ नदी है, तो मैं जहाँ दिखा रही हूँ ना ये नदी है, बट मैं अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ आपको। हाँ पहुँच के बाबा कैफे। चलो नहीं ऐसे रोते थोड़ी गंदी बात कर, बच्चू खा के भी सो जाएंगे, बच्चू खाएंगे हम सो जाएंगे फिर ठीक है। यहाँ पे हम चूज कर लेंगे। तो ये रिजॉर्ट है, अब पिछली बार हम आए थे तो दूसरे वाले में ठहरे थे तो वो वाला बंद था, तो इस वाले में मैंने आवाज़ म्यूट की क्योंकि पीछे से म्यूज़िक चल रहा है।
तो विवान को शरारत के लिए अभी थोड़ा नॉर्मल गाड़ी में सो गया था, अभी जस्ट उठ गया है, तो उसको शरारत के लिए बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और ये पता नहीं कहाँ का चढ़ रहा है। और बहुत प्यारा है, देखो ना ये इन्होंने डेकोरेट ही बहुत प्यारा किया होता है। इनफैक्ट वहाँ पे हम जब गए वहाँ गर्मी थी, यहाँ पे गर्मी नहीं लग रही, यहाँ पे अच्छा सा फील हो रहा है। शायद नीचे थोड़ा ढलान में है ना ये, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा सा लग रहा है। नहीं विवान, नहीं नहीं वो छोटी सी प्यारी सी कैट थी जो उसके नीचे घुस गई और विवान उसको ढूंढने जा रहा, ढूंढ जा रहा, भैया को बोल रहा है चलो 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 उसको ढूंढना है। बाय 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 बाय। चलो वापस जा रहे हैं जय हनुमान जी। अब कभी नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तब फिर से एक बार चढ़ के जाना है यहाँ ऊपर। हनुमान जहाँ हम गए थे ना लास्ट टाइम, वो देखो ऊपर वहाँ गए थे ना हम लोग, वो ऊपर देखो हनुमान जी। जय बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, जय श्री राम राम जय श्री राम जय श्री राम। कुछ है मेरे ख्याल से ना, हाँ कुछ होगा शायद, कोई फंक्शन ना कुछ जाओ, वो भी किसी की शादी में। मैं तो आपको पहले से बोलती हूँ, अभी तो बस एक साल है, एक साल का, एक साल से जो जाना ही घर। पत्थर कैसे रखे हुए हैं यार, देखो ना एक एक पत्थर से जाए, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे देखो एक एक पत्थर जैसे उठा उठा के रखा हुआ है। कहाँ जाना भाई, चप्पल भी हमें यहाँ से 2 घंटे लगे ना पूरे रास्ता भी तो स्मूथ है, स्मूथ बीबी। गुड मॉर्निंग, ठंडी होगी मेरी चाय। तो हम लोग ना कल शाम को पहुँचे थे, उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, फिर ऐसे ऐसे करते ब्लॉक ऐड नहीं किया। तो सुबह होगी, सुबह हस्बैंड ने बनाई है चाय। क्या कर रहे हो अभी है 15-20 मिनट, तो ट्रिप बहुत अच्छा रहा, बहुत जगह अच्छी अच्छी जगह हम घूमने गए वहाँ पे। और बाकी ब्लॉग में सब पता ही होगा क्या क्या हुआ क्या क्या हुआ। मिलते हैं विद इन न्यू ब्लॉग, आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी प्यारे प्यारे ब्लॉग के साथ मैं मिलती रहूँगी आप लोगों से और बात करती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय। मिलते हैं नए ब्लॉग में, सो रहा है। सब्जी क्या जल तो नहीं गई?